नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। कुर्बाई। आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 की गाइडलाइन के नियमों से अवगत कराया गया एवं तय किया गया कि ईद उल जुहा पर सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी एवं रक्षाबंधन के दूसरे दिन लगने वाला भुजरिया मेला भी आयोजित नहीं किया जाएगा। सभी त्योहार कोविड-19 की गाइडलाइन पर पालन करते हुए घर में ही रहकर मनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक हरी सिंह सप्रे ने सभी समुदायों से कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार त्योहार मनाने की अपील की और प्रशासन से भी लोगों को प्यार और शांति के साथ व्यवहार करते हुए त्योहार मनवाने के लिए व्यवस्था बनाने के लिए कहा। अनुविभागीय अधिकारी एवं नगर पालिका प्रशासक आरती यादव ने नगर पालिका द्वारा त्योहार पर की जाने वाली साफ सफाई, जल प्रदाय आदि आवश्यक तैयारियों के लिए नगर पालिका प्रभारी मुकेश पंथी को निर्देश दिए। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस प्रशांत सिंह सुमन ने कहा कि त्योहार शांति से मनाएं, ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। थाना प्रभारी ब्रजेंद्र मर्सकोले ने कहा कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना करें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, व्यापारी गण एवं शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। खबर समय जगत के लिए कुरवाई से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।